नमस्कार, मैं पंकज शर्मा। प्रदेश समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आया हुआ हूँ टप्पल के एक गांव में, शारोल में, प्रधान जी से कुछ खास बातचीत करने के लिए। तो आओ चलते हैं प्रधान जी से कुछ खास बातचीत करने के लिए। प्रधान जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। शारोल ग्राम की प्रधान श्रीमती आशा हैं, मैं उनका पति श्री तेजवीर सिंह बोल रहा हूँ जी। यहाँ पर लगभग 5600 की जनसंख्या है, जिसमें से 53% पुरुष हैं, 47% महिलाएँ हैं। हमारे यहाँ पर 5 चक्रोणों पर मनरेगा से कार्य करा दिया गया है। पंचायत घर कंप्लीट हो गया, सुलभ शौचालय कंप्लीट है, काम चल रहा है। उसमें जो है सुलभ शौचालय में सफाई कर्मी की नियुक्ति हो गई है। इसके बाद में प्राइमरी पाठशाला भी कंप्लीट हो गई है। हमने जो है ओपन जिम का निर्माण करा दिया है। पुस्तकालय कंप्लीट हो गया, चल रहा है जी। इसके बाद हर्बल गार्डन है, हर्बल गार्डन की स्थापना कर दी है, प्लांटेशन करा दी है, सही चल रहे हैं जी। प्रधान जी, जैसे कि आप पहली बार प्रधान बने हैं या पहले से ही आप प्रधान बनते हुए आ रहे हैं? पहली बार प्रधान बने हैं। प्रधान, जैसे कि आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे थे, आपने देखा था कि कुछ विकास नहीं हुए हैं और आपने सोचा था कि मैं ये विकास करूंगा गांव में, वो करूंगा, तो अभी तक आपने क्या क्या विकास किए हैं? और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो पहले से ही आपको परेशानियों से जूझ रही हैं इस गांव को, तो उनका कुछ आपने विकास अभी तक किया है, ऐसा आप हमें विस्तार में बताएंगे? हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो है अस्पताल की है। काफ़ी पहले, 32 साल पहले जो है अस्पताल बना था, वहाँ पर जो है मिडवाइफ रहती थी, वो जो है बिल्डिंग फट गई है। उसका हमने सर्वे करा दिया है, बजट बन गया है, उसकी डिमांड है। हो सकता है बजट आ जाए तो इस वर्ष में ही अस्पताल बन जाएगा। एक गांव से अटारी की तरफ जो है सड़क है, उसकी मांग कर दी है, सर्वे हो चुका है, हमने अपना प्रस्ताव भेज दिया, प्लस गांव से सहमति पत्र पर दस्तखत करा दिए। वो सब प्रक्रिया उच्च अधिकारी के यहाँ पर विचाराधीन है। आपके प्राइमरी स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? प्राइमरी स्कूल में लगभग 200 विद्यार्थी हैं, 5 का स्टाफ है। स्कूल में जो खाना बनता है वो गैस पे बनता है या चूल्हे पे बनता है? गैस पे बन रहा है जी। आपकी देख रेख में रहता है खाना? आपने कभी टेस्ट किया है खाना? टेस्ट किया है, देख रेख में नहीं है। देख रेख में क्यों नहीं है? अब ये शासन जाने जी। अच्छा, आपके घर में आपने पंचायत घर बनवाया? कुछ काम इनकम्प्लीट था, वो कराया। हमसे पहले प्रधान ने ही पंचायत घर का निर्माण कराया था। कितने कमरे हैं पंचायत घर में? पंचायत घर में 3 कमरे हैं। पंखे कितने लगे हुए हैं? पंखे उसमें 7। अभी तक आपने मतलब मनरेगा का कुछ काम कराया है? मनरेगा के 5 चक्रों पर काम किया है, गांव की सफाई कराई है। आपने अभी तक पौधे वगैरह वृक्षारोपण कराया है गांव में? वृक्षारोपण कराया था जी। कितने पौधे लगवा चुके हैं अभी तक आप? 1500। अभी हेल्थ को लेके इशू हो रहा है डेंगू को, तो अभी आप डेंगू को और गांव वालों को क्या ऐसा मतलब सजेस्ट कर रहे हैं जिससे कि डेंगू कम से कम फैले? डेंगू का मच्छर साफ पानी में रहता है, किसी भी स्थिति में 24 घंटे से ज़्यादा साफ पानी न रहना चाहिए। अगर किसी से ड्रम में या किसी अन्य बर्तन में उसे फैला देना चाहिए। डेंगू को देखते हुए हमने 3 बार फॉगिंग करा दी, 2 बार एंटी लार्वा करा दी और 1 बार जो है BSC 50% की हमने स्प्रे करा दी है। अच्छा, ये फॉगिंग कराते हो आप, कितने दिन में फॉगिंग कराते हो? फॉगिंग लगभग 15 दिन में। एक बार या दो बार? ऐसा जी, अब तक 3 बार हो पाई है फॉगिंग। 15 दिन? 15 दिन के अंतर से। आप कुछ, आपको जो भी परेशानी है या कुछ भी मतलब गांव का जो समर्थन आपको मिला है, जिस हिसाब से आप जीते हैं, आपने विजय हासिल की है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से गांव वालों को और कुछ कहना चाहेंगे? गांव वाले खूब सहयोग कर रहे हैं जी, अच्छी जीत हुई। दिक्कत ये आ रही है कि हमारे गाँव में जो पानी का निकास प्रॉपर नहीं है, तो उसके लिए आपने आगे कंप्लेंट की है अभी तक? देखिए, राजस्व विभाग का जो रिकॉर्ड देखते हैं तो जब चकबंदी हुई थी 1963 में, तब कोई पोखर की तरफ रास्ता नहीं दिया और जिनकी जमीन है वो रास्ता देंगे नहीं अब, इसीलिए पानी का प्रॉपर निकास नहीं है। तो इसके लिए आपने कुछ तो सॉल्यूशन देखा होगा पानी के लिए?
इसका सॉल्यूशन राजस्व विभाग से ही निकलता, किसी तरह से अगर वो ज़मीन का विनिमय कर लें तब कोई सॉल्यूशन निकल सकता है एक्सचेंज ज़मीन का। आपसे एक आखिरी क्वेश्चन प्रधान जी हमारा, कि आप अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, आप किस पार्टी को समर्थन करने वाले हैं? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है जी। ऐसा क्यों प्रधान जी? वो जब एजेंडा देखेंगे तब निर्णय लिया जाएगा, हम सार्वजनिक रूप से इस प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहते। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रधान जी को अभी जहाँ तक है सरकारों पे अभी पूरी तरह से भरोसा नहीं है। देखिए सरकार की अपनी नीतियाँ होती है, प्रधान की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे प्रधान जी। थैंक यू सर। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।